पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान द्वारा स्थापित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी भिलाई व अंचल के क्रिकेटर्स को विगत कई वर्षों से प्रशिक्षण दे रही है। अंचल के क्रिकेटरों को बेहतर सुविधाएं देने जीसीसी ने नागपुर की अग्रणी एकेडमी नागपुर क्रिकेट एकेडमी से हाथ मिलाया है। भिलाई में अब दोनों एकेडमी मिलकर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराएगी। इस संबंध में गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड सेक्टर 7 में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान व एनसीए के निदेशक माधव बकरे ने जानकारी दी। राजेश चौहान ने बताया कि भिलाई में गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी द्वारा विगत कई वर्षों से बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाए जा रहे हैं। एकेडमी के कई बच्चे छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश व झारखंड के लिए रणजी के मैच भी खेल चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल पक्का बता सकता हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ का क्रिकेट आपको पूरा बदला हुआ दिखेगा। क्या होता है, ऊपर लेवल पर बड़े लेवल पर खेलने के लिए बच्चों को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारा समय ग्राउंड के ऊपर में देना पड़ता है, अच्छी विकेट्स के ऊपर में उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितने बच्चे हमारे यहाँ पर नागपुर में आते थे उनके रेगुलर बात करते समय ये पता चलता था कि टर्फ विकेट्स छत्तीसगढ़ में किसी भी अकेडमी में इतनी नहीं है कि वहाँ पर बच्चा जाके 3 से 4 घंटे बैटिंग करना चाहे तो कर सके, और अगर ऊपर लेवल पर खेलना है तो इतनी प्रैक्टिस उनको करना ही पड़ेगा, तो ही आगे के क्रिकेट के बारे में अपन सोच सकते हैं। हम लोग नागपुर में यही सारी फैसिलिटीज़ देते थे, जितना देर खेलना है उतना देर आप आके खेलिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हम देने को तैयार थे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की विकेट्स, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर हम देने वाले हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को स्विंगिंग बॉल खेलना है तो उसको हम सुबह, आपको जैसे बताया कि 6:30 बजे से अकेडमी चालू होने वाली है, सुबह के समय पर आकर बच्चा जब सेंटर विकेट के ऊपर बैटिंग करेगा तो बॉल अच्छा मूव होगा, बॉल छोड़ने की उसको आदत होना चाहिए। अगर स्पिन बॉलिंग खेलना है तो हम यहाँ पर ये पक्का करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर बीच में 3 विकेट रोज बनी हुई रहे, एक विकेट एकदम ताजी जिसके ऊपर मीडियम पेसर्स के बॉल निकले, एक विकेट एक दिन पुरानी और एक विकेट 3 दिन पुरानी। स्पिनर्स को खेलना है तो 3 दिन पुरानी विकेट के ऊपर में जब खेलेगा तो स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस कर सकता है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक फोकस प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर होगी, और इससे हमारा अनुभव है कि ऊपर लेवल पर सफलता 100% मिलनी ही मिलनी। हमारे यहाँ पर नागपुर में 60 बच्चियाँ थी, और विदर्भ 2 साल पहले अंडर 15, जहाँ से बच्चियों का क्रिकेट चालू होता है, अंडर 15 से चालू होता है, अंडर 15 ऑल इंडिया की रनर्स अप थी, और वो 15 की टीम में 9 बच्चियाँ मेरी एकेडमी की थी। अभी हमारे यहाँ पर 50 बच्चियाँ 60 बच्चियाँ हैं, और हम आपको बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ, खाली प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बच्चों और बच्चियों को अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग अपोजिशन के साथ में जब खेलेंगे तभी बच्चे ऊपर लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। खाली प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस नहीं आने वाला, और बच्चियों के लिए भी मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, साल में एक एक लड़की हमारे अकेडमी की कम से कम 50 से 60 मैचेस खेलेंगी। नागपुर में हमारे यहाँ पर अंडर 13 के बच्चे जो 300 मैचेस खेले हुए हैं, हमारी 3 टीमें रोज 50 बच्चे रोज मैच खेलते हैं। तो छत्तीसगढ़ से जो बच्चे वहाँ पर आते हैं ना, उसमें एक तो ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस, ये 2 कारणों से आते थे, और वो पूरी के पूरी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर देने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पर नागपुर में खाली हिंदुस्तान से ही नहीं, दूसरे देशों से भी बच्चे आ रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और सिंगापुर, ये 5 कंट्रीज से साल भर में करीब 25 से 30 बच्चे आते हैं। भिलाई में मेरा 2 साल का प्लानिंग है कि 2 साल में कम से कम 200 बच्चे यहाँ पर दूसरे देश से आकर प्रैक्टिस कर सके। इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस टाइप की फैसिलिटीज हमको डेवलप करना है। देखिए, हमारी योजना तो जो आज की डेट में IPL से लेकर के, मतलब 2020 क्रिकेट से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक, कि हम बच्चे जितने जल्दी इंडिया टीम में आ जाए वो हमारी, और उनको जो फैसिलिटी चाहिए हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों के ऊपर है कि हमारी फैसिलिटी को लेकर के वो कितनी मेहनत करके आगे जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेहनत के बाद जितना मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक का साथ रहता है, क्योंकि क्रिकेट बाई चांस बोलता हूँ मैं, मुझे भी यही सिखाया गया, तो एक छोटा सा लक का भी वो रहता है। बाकी बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है हम 1 से 1.5 साल में हम कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी अच्छी टीम में देखेंगे। जैसे इन्होंने कहा माधव जी ने कि भाई 50 से 100 बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो उनको अब क्या वहाँ तक जाने की ज़रूरत है, तो उनका जो जाने का, वहाँ रुकने का जो भी खर्चा होता था वो उतना कम हो जाएगा, उनको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही। फिर यहाँ पर उनको जो हमारे कोचेज हैं हमारे, उनको जो घर पर रहेंगे, हमारे कोच हैं, मैं हूँ, हमारी और भी रणजी ट्रॉफी सेठी सुरेंद्र है, खरे है, अमीर मनोज है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं और वो भी कोचिंग में, वो सब उनका बेनिफिट मिल जाए। गर्ल्स क्रिकेट की डिमांड देखिए पिछले 1-1.5 साल से आई है मेरे पास, और मैं उसके लिए हम लोग ने बहुत कोशिश की, और हमने कोच भी हैं हमारे पास, और कम से कम 7 बच्चियाँ आनी शुरू भी हो गई, तो
तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने एक साल के अंदर उनकी फैसिलिटी डेवलप करके 7 बच्चियों का भी हम यहाँ पर ले आए, और वो भी ऐसी जगह जहाँ एजुकेशन का इतना भारी दबाव रहता है बच्चों के ऊपर। इसमें जो स्टार्टिंग एज है किस एज से शुरू होगा एकेडमी में एडमिशन? देखिए हमने तो 7 साल के बाद से रखा है टेक्निकली, और 7 साल के बाद से ऊपर में जो भी बच्चे आना चाहें सब।